में हम लोग पढ़ने वाले साइंस का चैप्टर 7 क्लास 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, जिसका कि 7.3 में हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 2 द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हिंदी होता है उष्णकटिबंधीय वन। ओके, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय वन। द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एट द इक्वेटर। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन का बात किया है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात नहीं किया। तो ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है, रीजन होता है, वो हॉट होता है, मतलब थोड़ा गर्म होता है। और ये जो उष्ण होता है उसका भी मतलब होता है थोड़ा गर्म, है ना। तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि ये इसका जो लोकेशन होता है वो इक्वेटर पे है। ये हम लोग का अर्थ हो गया। और ये वाला जो बीच का लाइन होता है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये चीज हम लोग का दो पोल्स हो गया और ये चीज को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ओके, भूमध्य रेखा, इसका हिंदी लिख देते हैं इक्वेटर का भूमध्य रेखा, जो कि बीच में होता है। ये जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इसलिए गर्म होता है क्योंकि यहाँ का लोकेशन इक्वेटर पे है, है ना, मतलब कि भूमध्य रेखा पर है। These reasons get plenty of rainfall. और यहाँ पर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश भी होता है, है ना? An important feature of this region is the tropical rainforest. और इस region का, इस क्षेत्र का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा feature, से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गुण ये है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मतलब कि उष्णकटिबंधीय वन है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है भारत का वेस्टर्न घाट और असम में, साउथर्न एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में और सेंट्रल अफ्रीका में। तो ये सारे जगह पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, मतलब ये जितना का जितना ये जगह हम लोग का बता रहे हैं, ये जितना भी जगह का हम बात किए वो कहाँ पर होगा, वो इक्वेटर पे होगा, है ना, ये अर्थ है हम लोग का। और ये इक्वेटर के पास वाला इलाका होगा ये सब, हाँ। The major types of animals living in the rainforests are monkeys, apes, gorillas, leopards, lizards, tigers, elephants, snakes, insects and birds. और यहाँ पर जो होते हैं वो बहुत सारे तरह के जानवर भी रहते हैं, जैसे कि हो गया मंकी, एप्स, ये सब बहुत सारे तरह के जानवर भी यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। The climatic conditions in rainforests are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals. क्योंकि यहाँ का, है ना, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो रीजन है वो इतना ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा उसको क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है कि यहाँ पे बहुत सारे तरह के जानवर पाए जाते हैं। जानवर भी पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं और बर्ड्स भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं इतने ज्यादा नंबर में, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब यहाँ का जो जलवायु है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ का जो जलवायु है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, थोड़ा गर्म भी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होता है। तो ये सब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जीव जंतु रहते हैं। Since the numbers are large, there is intense competition for food and shelter. क्योंकि यहाँ पर इतने सारे जानवर लोग रहते हैं तो ये जो भोजन का जो कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि जानवर लोग तो एक दूसरे को ही मारकर खाते हैं, तो यहाँ पर जो फूड का कॉम्पिटिशन होता है वो भी बढ़ जाता है क्योंकि सारे के सारे जानवरों को भोजन चाहिए। Many animals are adapted to living on the trees.
और बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से रहते हैं, जैसे कि कुछ जानवर पेड़ पे रहते हैं, कुछ जानवर सिर्फ जमीन पर ही रहते हैं, और कुछ कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि पानी में भी रहते हैं। Red eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. और ये जो red eyed frog होता है, हाँ, जिसका लाल आंख वाला जो मेंढक होता है, उसका पैर का तलवा बहुत ही ज्यादा चिकना होता है, जिसके के कारण वो आसानी से पेड़ पर चढ़ पाता है। तो जितना भी जानवर होता है वो उसका बॉडी कुछ इस तरह से अडेप्ट किया जाता है कि वो आसानी से उस माहौल में रह सके, है ना। जैसे कि अभी हम लोग जानवर के बारे में और पढ़ेंगे, और अभी हम लोग पढ़े कि रेड आई फ्रॉग जो होता है उसका पैर का तलवा इतना ज्यादा चिपचिपा होता है कि वो आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है। तो इस तरह से जानवरों का एडेप्टेशन के कारण वो लोग इस इलाका में भी रह पाता है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एडेप्टेशन के कारण बहुत सारा जानवर जो होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह पाता है। मंकीज हैंड एंड फुट आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन द ब्रांचेस, और बंदर का हाथ और पैर ऐसा रहता है जिससे वो आसानी से किसी भी पेड़ का ब्रांच को आसानी से पकड़ लेता है। The bird toucan, which possesses a large beak, this helps a toucan produce the fruits on branches which are otherwise too big to support its weight. क्योंकि अब इतना बड़ा घना जंगल है तो वहाँ फूड का कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसा पक्षी के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही आसानी से अपना बॉडी का यूज करके वो अपना खाना लेती है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसा पक्षी जिसका नाम है टूकन, जो कि फ्रूट्स खाती है, जो कि ऐसे पेड़ों से फ्रूट को लेती है जो जिस पेड़ पर चढ़ पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो पेड़ जिसका कि ब्रांच बहुत ज्यादा वीक होता है उसमें उसका बॉडी काम करता है। टूकन का बॉडी का जो चोंच होता है वो इतना बड़ा होता है जिसके कारण कि वो आसानी से बिना उस पेड़ पर चढ़े वो उस फ्रूट को आसानी से ले सकती है। तो इसलिए कुछ कुछ पक्षी, कुछ कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो कि आसानी से अपना खाना ले लेते हैं। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये इस पक्षी का, तो ये वहां जाती है जहाँ की चढ़ना दूसरे पक्षी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उस पेड़ का जो ब्रांच रहता है वो इतना वीक होता है कि अगर कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर अगर उस पर पैर भी रखे तो वो तुरंत गिर जाएगा। तो इसी तरह से कोई कोई पक्षी ऐसा भी होता है जो कि अपने बॉडी का यूज करके आसानी से अपना खाना ले लेता है, जैसे कि टूकन जो कि अपना लार्ज बीक, अपना बड़ा चोंच का यूज करके वो आसानी से वो खाना ले ली, वो फ्रूट ले ली। Tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and a skin color which helps them to camouflage by blending with the surroundings. This is to protect them from predators. तो ट्रॉपिकल एनिमल्स जो होते हैं, ट्रॉपिकल जानवर जो होते हैं, उनमें जो सुनने का जो क्षमता होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, सूंघने का जो क्षमता होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, है ना। और उन लोगों का जो स्किन होता है वो भी बहुत ज्यादा मोटा होता है। तो यही सब फीचर्स के कारण वो आसानी से उस जगह पर रह पाता है, और इसी अपने फीचर्स के कारण ही वो प्रीडेटर्स मतलब अपने शिकार से भी बच पाता है। और वो उन लोगों का देखने का जो क्षमता होता है मतलब शार्प आईसाइट, वो लोगों का देखने का क्षमता भी बहुत ज्यादा होता है। लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, लायन और टाइगर का बहुत ही ज्यादा मोटा स्किन रहता है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हियरिंग, मतलब वो एकदम छोटे से छोटे आवाज को भी आसानी से सुन सकता है। लॉन्ग टेल मकाउ बियर्ड एप इज गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन द ट्री, इट फीड्स मेनी ऑन फ्रूट सीड यंग लीव्स स्टिंग्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स, इट ऑल्सो सर्चेस फॉर इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, सो इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। देखिए जो एक बंदर है, बंदर की तरह ही ये होता है, लॉन्ग टेल्ड मकाउ जिसको कि हम लोग बियर्ड एप भी कहते हैं, उसको बियर्ड एप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके मुंह के चारों ओर सफेद कलर का बाल होता है ना, मुंह उसका काला होता है और उसके इर्द गिर्द सफेद बाल होता है, तो इसलिए उसको बियर्ड एप भी कहा जाता है। और वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा उछलने में कूदने में पेड़ पर बहुत ही ज्यादा वो माहिर होता है, और इसके साथ ही साथ वो ज्यादा से ज्यादा टाइम पेड़ पर ही रहता है,
और अगर उसके खाने की बात करें तो वो ज्यादातर फ्रूट सीड यंग लीव्स स्टेम्स फ्लावर्स और बड खाता है। और इसके साथ ही साथ वो जो पेड़ में जो बार्क होता है मतलब पेड़ का जो छाल होता है उसमें जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो उसको भी अच्छे से खाता है, क्योंकि इस बियर्ड ऐप को हर एक चीज मिल गया है जो कि पेड़ पर ही है, तो वो कभी कभार ही नीचे उतरता है, मतलब ज्यादा टाइम वो पेड़ पर ही रहता है क्योंकि पेड़ पर ही उसको सब कुछ मिल जाता है। एलिफेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और हाथी का स्मेल करने का जो क्षमता होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इट्स स्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो यूज बाय पिकिंग अप फूड, और उसका जो सूंड होता है उसका यूज से उसका मदद से वो कोई भी खाना को आसानी से ले लेता है। और हाथी तो एक दिन में बहुत ज्यादा खाता है। इट्स टीथ इज यूज टू टियर द बार्क ऑफ ट्री, उसका जो इतना बड़ा खूंखार दांत होता है इतना लंबा दांत होता है उसका यूज वो अपना मनपसंद पेड़ के छाल को खाने में भी करता है। Its large ears helps to hear even very soft sounds. और उसका जो कान रहता है वो इतना बड़ा होता है कि वो एकदम छोटे से छोटे आवाज को भी आसानी से सुन लेता है। तो इस तरह से हम लोग का था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जितना भी जानवर के बारे में जो कि एनसीईआरटी बुक में था वो सारा का सारा हम आप लोगों को बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा एनिमल्स इतना ज्यादा बर्ड्स इतना सारा इंसेक्ट्स इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर ठंडा भी पड़ता है तो 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता, और यहाँ का जो गर्मी रहता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी चला जाता है। तो इसलिए यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा है जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनिमल्स रहते हैं। तो ये जो हम लोग का था 7.3 का पार्ट 2 द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसमें इतना ही था, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, ये बस समझने लायक था। और जानवरों के बारे में तो आप लोगों को भी पता है, सो ये बहुत ही ज्यादा इजी था। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या, ये टॉपिक तो खत्म ही हो चुका है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलो बाय, टेक केयर।